नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वे। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, देखिए आप लोग इस वीडियो में आज आप लोगों के बीच हम अपाची बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट के संबंध में एक वीडियो लेके आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार हमारे बाइक में कई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे कि कई बार क्लिक लगाने से बाइक का स्टार्ट होना, बाइक स्पीड में अगर आप चलाएं तो ऐसा लगता है जैसे स्पीड में न चल के बाइक बैठ रही हो, इंजन दब रहा हो। कभी कभार आपकी जो हेडलाइट है कभी कम होगी, कभी ज़्यादा फ्लेक्सेशन टाइप का हो रहा हो, बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम हो रही हो। तो ऐसे स्थिति में अधिकांश 100% प्रॉब्लम आपकी इस कॉइल से सॉल्व होती है। जी हाँ, यह अपाची बाइक की हाई सीसी बाइक अपाची की मैग्नेट कॉइल प्लेट है। इस मैग्नेट कॉइल प्लेट को जनरली तौर पर वाइंड नहीं किया जाता है, इसमें बहुत ही स्पेशल वाइंडिंग होती है। आप खुद देख रहे होंगे, आप ध्यान से देखें, ये देखें, इधर से बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इधर से जहाँ से इसके कनेक्शन बाहर निकाले जाते हैं ये चैन वाइंडिंग होती है। चैन वाइंडिंग का मतलब होता है, जैसे हमारी जो डीसी मोटर होती है तो डीसी मोटर में क्या होता है, एक बुश लगा होता है पीतल का, जिसके ऊपर आपके ब्रश चलते हैं, कार्बन चलते हैं, तो उसमें 4 या 5 या 6 खांचे होते हैं। तो उसमें होता क्या है, यानी दो खांचों का, यानी इस खांचे का एक दूसरे से रिलेटिव कनेक्शन का समूह होता है। ठीक इसी प्रकार अपाची बाइक में ये बहुत ही हाई सीसी बाइक होती है। इस बाइक में आप ध्यान से देखें, ये चैन वाइंडिंग है। चैन वाइंडिंग का मतलब होता है कि ये नहीं कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ आए, कहने का मतलब यहाँ आए, ये नहीं, दो कॉइल छोड़कर तीसरी कॉइल में वाइंडिंग की जाती, तीसरी के बाद में फिर आपको दो छोड़ना पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा मतलब जैसे आपने ये दो छोड़ी, तो ये दो छोड़ोगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, यानी मेरा मतलब कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक और दो यहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें वाइंडिंग की जाती है। तो इस प्रकार की कॉइल जब भी स्टार्ट हो जाती हैं, इनका आर्मेचर का कांटेक्ट इस मेटल यानी कॉइल की बॉडी से हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी बाइक में किक लगाने पर स्टार्ट ना होना, बैटरी का चार्ज ना होना, हेड लाइट का ब्लिंक करके बंद हो जाना, हाई स्पीड में बाइक अगर आप दौड़ाएं, रन करें, तो बाइक का ऐसा लगा ऐसी बाइक हमारी बैक हो रही हो, स्पीड उसकी नहीं बन रही हो। तो ऐसे हालात में ये कॉइल आप ज़रूर चेक करें। इस कॉइल को अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रेट की ये मिलेगी। मैं अपने चैनल पर 25% के ऊपर कॉइल से रिलेटिव बहुत अच्छी सच्ची वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ कभी भी ऐसी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे वीडियो आप वॉच करें, हमारे वीडियो से आप कॉइल से रिलेटिव हेल्प लें। मैं आप लोगों की कमेंट के द्वारा भी हेल्प कर सकते हैं। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की बाइक में करंट संबंधी, स्टार्ट संबंधी, बैटरी चार्ज संबंधी अगर कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो निसंकोच अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई, कुछ भी मान के आप बिल्कुल निसंकोच, आप संकोच मत करिए, हमें कमेंट करिए। मैं गारंटी के साथ आपकी प्रॉब्लम का समाधान करूंगा। नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर रही। आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार करते हैं क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारी वीडियो वॉच करते हैं। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत यूनिक जानकारियां अपने चैनल पर लाता रहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
ये जो कॉइल प्लेट आप देख रहे हैं, ये मैग्नेट बाइक की कॉइल प्लेट है अपाचे जी। जनरली बिल्कुल कई ज़्यादा सिंपल कॉइल प्लेट होती हैं जिसमें चैन वाइंडिंग नहीं होती है। चैन वाइंडिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि कोई भी डीसी मोटर होती है तो जितनी कॉइल उसमें भरी जाती हैं, जितने उसके खांचे भरे जाते हैं, सब खांचों का एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन होता है ज्वाइंट करने के लिए। ठीक इसी प्रकार इस कॉइल प्लेट में आप गौर से देखें, ये पूर्ण तरह से ये आपका खांचा जल चुका है। तो जब ये खांचा आपका जला है तो इसके साथ में दो खांचे छोड़ते हैं, एक और दो, ध्यान से देखें आप लोग। ये आपका जला हुआ है तो उसमें दो खांचे छोड़ते हैं आप, एक और दो, तीसरा खांचा आपका जला होगा दिख रहा है आपको, फिर दो छोड़ दें आप, एक और दो, चौथा जला होगा। तो इसी प्रकार दो छोड़ दें, ये आपका जला होगा, दो छोड़ दें। प्लीज मेरा कहने का मतलब इस कॉइल में जो वाइंडिंग की जाती है दो खांचे छोड़कर की जाती है। जब यहाँ से कोई वायर हम वाइंड करेंगे तो वो वायर इस पर नहीं जाएगा खांचे पर, वो यहाँ जाएगा। सिस्टम वही है, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई में ये कॉइल वाइंड की जाती है, लेकिन दो खांचे छोड़कर कॉइल वाइंड की जाती है। देखने में पूरा आपको मकर जाल लग रहा होगा, लेकिन सारे तार इम्पोर्टेंस हैं। ये देखिए आप लोग, जो लंबे लंबे यहाँ पर ये जॉइंट बनाए गए हैं, ये जॉइंट इसलिए बनाए गए हैं लंबे लंबे जिससे हम कनेक्शन दो कॉइल को छोड़कर आराम से कर सकें। तो इसकी जो वाइंडिंग की जाती है तो दो खांचे छोड़कर, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको तो हमें ये दो छोड़ने पड़ेंगे, यहाँ होगी। अगर इस कॉइल को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम फिर ये दो छोड़, यानी मेरा कहने का मतलब ये दो स्लॉट दो खांचे छोड़कर इसमें वाइंडिंग की जाती है। ये बहुत ही पावरफुल कॉइल है, बहुत ही पावरफुल, क्योंकि ये ज़्यादा सीसी की बाइक में लगाई जाती है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें, इसका ये स्लॉट बिल्कुल काला पड़ चुका है। मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूँ, कभी भी किसी भी कॉइल में यदि इस प्रकार का कोई भी खांचा आपका कॉइल का काला पड़ता है तो ये समझ लो कि वो कॉइल जिसमें ये खांचा काला पड़ चुका है वो बैटरी के चार्जिंग से रिलेटेड कॉइल है। जी हाँ, कभी भी आप गौर करना कि बैटरी की चार्जिंग से रिलेटेड वाला हमेशा खांचा, किसी भी कॉइल हो, कोई भी कंपनी की बाइक हो, उसी का खांचा वो काला पड़ता है। अब सवाल उठता है हेडलाइट वाली, बाकी की जो हेडलाइट की कॉइल हैं तो हेडलाइट का खांचा कभी भी काला इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि हेडलाइट से डायरेक्ट आपका सीधा CDI के थ्रू चार्जिंग से कन्वर्ट होके हेडलाइट का बल्ब लगा रहता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो आपका बल्ब हेडलाइट वाला शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने से आपका पूरा कनेक्शन हेडलाइट के करंट का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो कॉइल पे लोड पड़ने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। तो अब देखें आप लोग, ये जो वायर देख रहे हैं आप कितनी बुरी तरह ये डैमेज हो चुका वायर, ये वो वायर है जिसके द्वारा इस कॉइल को भरने के बाद में बैटरी चार्जिंग की प्रोसेस शुरू होती है। तो आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, कभी भी यदि किसी भी बाइक में बैटरी की चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी बाइक आपकी बैटरी चार्ज ना हो, चार्ज करके लगाने के बाद में जितनी देर बैटरी चार्ज रहेगी उतनी देर यदि आपकी बाइक स्टार्ट रहती है, चलती है, बंद करने के बाद दोबारा आप किक लगाएं या सेल्फ लगाएं, बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो ऐसे हालात में ये मान लो कि बाइक की बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो दोस्त हम चार्जर को ना देकर कॉइल को भी देंगे, क्योंकि कॉइल से तो करंट जनरेट होता है चार्जिंग के लिए। तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को वो बहुत ही महीन से महीन, बारीक से बारीक, अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देता हूँ। तो थोड़े भी दिल में यदि मेरे प्रति आपको रहम है, अपनापन है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर पुश करें कि मैं अपने चैनल पर मल्टीपर्पज आप लोगों के लिए सारी सभी प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर देता रहता हूँ। तो अब हम इस कॉइल को दोबारा रिवाइंड करने जा रहे हैं, मुझे ये वायर बाहर निकाल लिया है, अब मुझे दो खांचे छोड़कर सिर्फ हमें एक दो और तीन, सिर्फ तीन खांचे हमें कंप्लीट करना है, बाकी सब नॉर्मल है। ये बाइक की कॉइल पुनः नई जैसी वर्क करेगी, तो बने रहिए वीडियो पर। अब इस कॉइल को जब हम पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे, आप ऐसा मत सोचा करें कि सर आप
कॉइल के बारे में बताते, उसकी वाइंडिंग प्रोसेस बताते, लेकिन आप वर्किंग वाइंडिंग पीरियड में लाइफ में क्यों नहीं बताते। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि किसी भी कॉइल को वरने के लिए आपको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज टर्नों का सहारा लेना है, किस कॉइल में कितने टर्न लगे। तो आप लोग अपने दिल में बिल्कुल कतई मेरे प्रति गलत धारणा लेके मत चलें। मैं कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छुपाता हूँ, कोई भी किसी चीज़ को कभी अपने वीडियो में सीक्रेट नहीं रखता हूँ जिससे आप लोगों तक कोई चीज ओपन ना हो। तो मैंने पहले बताया किसी भी कॉइल को भरने के लिए पहले कॉइल को रखो, उसका मेथड समझो, खांचे की साइज समझो। आपको भी लग रहा होगा ये खांचे छोटे छोटे हैं, इनका गेज कम है, खांचों का साइज कम है, तो आप भी अंदाज़ लगा सकते हैं इसमें जो टर्नों की संख्या होगी तकरीबन कितनी होगी। कोई भी खांचा अगर गहरा हो, उसकी लंबाई ये वाली हो, ये ऊंचाई ज़्यादा हो, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं उस खांचों में कितना वायर बने। तो हमेशा खांचों पर डिपेंड रहता है। वैसे क्वांटिटी ऑफ द पावर आउट पर ग्रिप करंट जनरेट, मेरा मतलब कहने का कि प्रत्येक खांचे में जो भी करंट जनरेट होता है वो एवरेजन आपका 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में जनरेट होता है, जबकि ये पूरी कॉइल सिर्फ एक ही वायर से रिवाइंड की जाती है। लास्ट में जो करंट निकलता है तो 6 के हिसाब से कितना बन रहा है, कितने स्लॉट में, 12 के हिसाब से कितना बन रहा है। आप सोचेंगे 6 के हिसाब से अगर 10 स्लॉट तो 60 वोल्ट बनते हैं बल्ब, तो जबकि हमारा कितना होता है सिर्फ 12 वोल्ट का होता है। लेकिन आप भूल रहे इस चीज़ को कि इस 60 वोल्ट के करंट को कंट्रोल कौन करता है। 60 वोल्ट के करंट को आपका जो रेगुलेटर लगा रहता है, चार्जर लगा रहता है सीट के नीचे या टंकी के नीचे, वो कंट्रोल करता है। कभी भी किसी भी बाइक का आप चार्जर हटा दें, चार्जर हटाने के बाद में यदि आप हेडलाइट जलाएंगे तो एक्सीलेटर जितना ही ज़्यादा लेंगे उतनी हेडलाइट आपकी ज़्यादा तेज़ होगी, कम पे कम हो जाएगी। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम बाइक को लेकर चलते हैं, एक्सीलेटर हम कितना भी खींच दें, लेकिन जो हेडलाइट की कॉन्स्टेंट पावर है ऑन का जलने का वो सेम रहता है। मालूम कौन कंट्रोल करता है? चार्जर कंट्रोल करता है। ठीक इसी प्रकार बैटरी में, माना कि अगर आपकी बाइक स्लो चल रही है तो बैटरी में 5 वोल्ट निकल रहे, उसी बैटरी में अगर हम बाइक की स्पीड बढ़ा दें तो 5 की जगह 15 हो जाएगी, नहीं, उसमें जो चार्जर लगा रहता है वो चार्जर क्या करता कि बैटरी का जो करंट 12 वोल्ट का है उस 12 वोल्ट के करंट को वो 14-15 तक रखता है, क्योंकि बैटरी कभी भी इक्वल करंट पर चार्ज नहीं होती एक्स्ट्रा जब तक उसमें करंट ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि बैटरी करंट के डिपेंड रहती है चार्जिंग पर। 12 वोल्ट की बैटरी है उसमें 14 या 15 की समथिंग वोल्टेज होना चाहिए तभी वो चार्ज होगी, अन्यथा वो चार्ज नहीं होगी सेम वोल्टेज अगर आप उसको देंगे। तो यही कारण है कि हमारा जो चार्जर लगा रहता है वो हेडलाइट को कंट्रोल करता है। तो देखा आप लोगों ने, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कॉइल की थ्योरी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर अपने विचार प्रकट करें, अपने विचार रखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। में गोपाल तिवारी, प्रोजेक्टर उरई। देखें आप लोग, आप लोगों को ये ना लगा कि हम आप लोगों से झूठ मूठ बोलते रहते हैं, कहीं तो ऐसा तो नहीं दिखाते कुछ और हैं और वीडियो कुछ और होता है। तो देखें आप लोग, ये आपका वायर लगा हुआ 20 नंबर, ठीक है, और अभी हमने इसका 1, 2, 3 यानी कि ये वाला खांचा हमने कंप्लीट किया। ये देखें आप लोग देख रहे होंगे, अब हमें ये वाला खांचा तैयार करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये वायर आया है देखें, और ये वायर आपका यहाँ पे घूमता हुआ और ये आपका वायर स्टैंड पर आया है, देखा आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ और बताऊं, वीडियो कुछ और हो, मैंने अपनी लाइफ में ये प्रण लिया है कि मैं वीडियो चाहे 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 10 मिनट का, 20 मिनट का, लेकिन जो भी हम आप लोगों के बीच में वीडियो लाऊंगा वो रियल होगा और हकीकत होगी। तो बने रहिए वीडियो पे। अभी हम देखते देखते ये आपके पूरे खांचे इसके क्लियर कर रहे हैं। बहुत ही कठिन परिश्रम का ये काम है, और तार को एकदम टाइट खींचना पड़ता है जिसमें दोनों हाथ और पैर के पंजे का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये
कितने छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जिसमें कोई भी बाइंडिंग मशीन वर्क नहीं करती है, कि हाथ से धीरे धीरे करके बाइंड करना पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है, इंटरेस्टफुल है और पैसा बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। इसी कॉइल को अगर आप मार्केट में परचेज करेंगे तो कम से कम 1500-2000 के बीच में ये कॉइल आपको मिलेगी, और वो भी कोई आपको गारंटी नहीं मिलेगी। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे कॉइल को धीरे धीरे करके बाइंड किया जाता है, तब जाके प्रॉपर वो सही वर्क करती है।